श्रीनिकेतन शॉपिंग मॉल 31 अगस्त 2007 को बाम मोर्चा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मानिक सरकार के हाथों कैलाशहर उपमंडल के कैलाशहर उपविभाजन के तहत उनकोटी जिला में शुरू हुआ था। 3 मंजिला शॉपिंग मॉल में 100 से अधिक स्टॉल है। शुरुआत में ये शॉपिंग मॉल अच्छा चल रहा था, लेकिन अब शॉपिंग मॉल इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। इस शॉपिंग मॉल की शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन अब जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहे तो मॉल के अंदर दिन प्रतिदिन असामाजिक गतिविधियाँ फैल रही है। इस श्रीनिकेतन शॉपिंग मॉल में 2/3 कमरे बंद है, लेकिन व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मॉल के अंदर एक शौचालय है, लेकिन ये प्रयोग करने लायक नहीं रहा। न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था है। इस शॉपिंग मॉल में एक आर्ट स्कूल है, छोटे बच्चे वहाँ ड्रॉइंग सीखने आते हैं हफ्ते में 2 दिन। लेकिन मॉल के अंदर भी आर्ट स्कूल के द्वार पर शराब की बोतलों सहित विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ देखे जाते हैं, इसलिए बच्चे इन चीजों को देखना शुरू कर रहे हैं और अपने मन में विभिन्न प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। मॉल की दीवारों का रंग उखड़ गया, ज्यादातर समय प्लास्टर की सीमेंट रेत की परत फट गई और उनमें बॉट के पेड़ की शाखाओं को देखा जा रहा है। कैलाशहर के इस मॉल के अधिकारी कैलाशहर पूर्व परिषद ही है या नहीं, इस बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर कैलाशहर के जिला गवर्नर शांति रंजन चकमा ने कोई उत्तर नहीं दी। দীর্ঘদিন যাবৎ সহ্য করছি এবং পৌরসভার দিয়ে আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, অনুগ্রহ করেছি, কিন্তু কোনো সাহায্য পাইনি। নাই একটা ইউরিন, নাই কোনো জলের ব্যবস্থা, কোনো কিচ্ছু নাই। আমি বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে আছি। বাচ্চাগুলিকে যে আমি বর্তমান পরিস্থিতি রোগে শোকে ভিতরে এত নোংরার ভিতরে কী করে ক্লাস করবো,